आपके पास आ रही है, क्योंकि इसको मैं पॉलिटिकल से ज्यादा पहले एक पत्रकार से पूछ लूं। वो जब बोल रहे हैं अवधेश जी, ये जो आज कोर्ट में कही गई बातें, ईडी के काम करने के तरीके पर ही आज कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं और गिरफ्तारी का समय ईडी ही तय करती है। ये कोई सीएम हो या कोई आम व्यक्ति, प्रोसेस एक ही है। देखिए, अभी तक केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो कुछ विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे थे, उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे और जो लोग इनसे प्रभावित हो गए थे, आज उन सबका अगर देखें कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु जिस ढंग से उत्तर दिया है और उन सबको कोर्ट ने नकारा है, उसको देखते हुए लोगों को नए सिरे से पुनर्विचार का समय आ गया है कि क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है। क्योंकि कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि हमने दस्तावेज देखे हैं, साक्ष्य देखे हैं, उसमें यह प्रमाण मिलता है कि गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए थे। भले यह फैसला नहीं है, लेकिन कोर्ट की लिखित टिप्पणी है और पूरा मामला इसी पर टिका हुआ था कि क्या शराब कारोबारियों से पैसे लेके गोवा में हवाला के माध्यम से भेजे गए। कोर्ट कह रहा है कि हवाला कारोबारियों के नाम हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, उनके बयान हैं। कोर्ट यह भी कह रहा है कि यह तय कौन करेगा कि कार्रवाई कब होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि मेरे सामने न्यायिक नैतिकता का प्रश्न है, मेरे सामने राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न नहीं है। तो न्यायिक नैतिकता के हिसाब से केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, आरोप तथ्यों के साथ है, जो कुछ आप बता रहे हैं वो उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। तो ये केवल सच्चरता केवल केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं है, ये मैं exactly हाई कोर्ट ये कह रही है कि शराब के भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो तथ्यों के साथ सही है। तो जो लोग भी गिरफ्तार हैं, जिन पर आरोप हैं, उनकी एक प्रकार से हाई कोर्ट ने खुली पुष्टि की है। ईडी सीबीआई, सुनील जी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, हरीश जी और सुनील जी को स्क्रीन पर लीजिए, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, चुनाव के समय गिरफ्तारी करवा रही है केंद्र सरकार। अब आज जब कोर्ट ये कहती है सुनील जी कि ये चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं है, ईडी अपने तरीके से काम करती है और ये चुनाव के समय वाला हमला बिल्कुल सही नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कहा है उन्होंने, लागू तो सब पर होता है जो ये हमला करते हैं। देखिए सुचारिता जी, हम आप कम से कम माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश पर या किसी भी टिप्पणी पर कोई बात नहीं रख सकते, लेकिन क्या हम हो, आप हो या देश हो, वो जान नहीं रहा है कि ईडी सीबीआई कहां काम कर रही है, किस पर काम कर रही है। भाई ईडी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने उस शराब कारोबारी से कितना पैसा लिया और कैसे लिया। नहीं नहीं सुनील जी, लेकिन अभी काम ही कर रही है, कुछ प्रमाण नहीं दे पाए। आपका मतलब लेकिन ये है कि 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने तो ले लिया ना उससे। आपने कही कि ये तो हम आप नहीं कह सकते ना सुनील जी, आप कह रहे हैं आप और हम जानते हैं, मतलब कोर्ट ये तो नहीं नकार सकती ना आपकी 55 करोड़ रुपए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसी व्यापारी से लिया, तो उस पर भी बोला है, उस पर भी बोला है, ये तो साफ है ना। अब आम सुनील जी उस पर भी बोला है, अप्रूवर पर अगर आप बोलेंगे तो कोर्ट ने उस पर भी बोला है, उन्होंने कहा अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है, उसके बयान पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इट्स नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो आप अगर बार बार शरद रेड्डी की बात करते हैं, आप बार बार बाकी अप्रूवर्स की बात करते हैं, माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के भ्रष्टाचार को बता रहे हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार को बताना न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है। मैं तो बता बीजेपी के चोर को अगर चोर बोलेंगे तो न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है, हम बीजेपी को भ्रष्टाचारी अगर बोल रहे हैं और हवा में नहीं बोल रहे हैं। सुनील जी आज प्रमाण है, केवल सुनील जी यही सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद के आज तो कोर्ट के आदेश पर डिबेट है, आज तो इसमें बीजेपी है नहीं, देश के सामने आया है कि कब सीबीआई ने छापा डाला तब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले, कब ईडी गई उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले, तो ये पूरा देश जान रहा है कि असली भ्रष्टाचारी कौन है। असली भ्रष्टाचारी हारने जा रहे हैं, नई सरकार आने जा रही है, नई सरकार के बाद आप देखिएगा
इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो मुझे लगता है इतिहास में दर्ज होगी। नई सरकार यानी कि 2024 में केंद्र में नई सरकार, यही कह रहे हैं ना सुनील जी? नई सरकार आने वाली है जी, जी हरीश जी, केंद्र सरकार बदलने वाली है और तब आपके भी दिन बदलने वाले हैं। सुनील जी कह रहे हैं अभी आप सब कुछ चला लीजिए लेकिन सारा सच सामने आ जाएगा। आप देखेंगे तो उनको खुली छूट है, देख सकते हैं, एक खा भी रहेंगे। वो कोशिश दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, मैं उस पर नहीं दे रहा, मैं कुछ और तथ्यों पे जा रहा हूँ। अभी सुनील जी कह रहे हैं कि मैं आज कोर्ट की ट्रीट करना चाहता। अभी कुछ दिन पहले तो आप चिल्ला के आपके मित्र की पार्टी, वो अलग बात है कि यही आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलती थी। हमें आज भी याद है कि सबसे बड़े भ्रष्ट नेता है तो कोई माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं। खैर वो क्या मजबूरी है गठबंधन की, तो आप जाने आपको काम जाने। लेकिन आज जो आपने टिप्पणी करी कि कोर्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बात करेंगे भाई? आप आज से एक हफ्ते पहले कितने बड़े, तो आज अभी भी आप शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उठा के परे मारे हैं। तीन आरोप थे आप लोगों के, आपके और आपके साथी आम आदमी पार्टी के लिए पोलिटिकली मोटिवेटेड है। आप केजरीवाल को जेल डालने की टाइमिंग की साजिश है, यही आरोप थे ना? आरोप को आज जिस तरह से सिरे से खारिज किया है माननीय न्यायालय ने, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है? 9 सम्मन आपके अरविंद केजरीवाल जी स्किप करें और आप कहें कि उन पे कार्रवाई ना हो, क्या गजब का लॉजिक है? आप किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं? आपको कोर्ट ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी, आप कुछ भी करेंगे। क्या कहेंगे वीसी से, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, साफ कहा कोर्ट ने। दूसरा आपका प्लीटा अप्रूवर का, अप्रूवर के बारे में भी सुचेत जी ने भी बोला, कोर्ट ने क्या कहा कि 100 साल से ये लॉ है, कोई एक साल में ये लॉ नहीं बना है और आपके सीएम के लिए लॉ नहीं बना हुआ ये। कि बहुत सारी चीजें जो है आज माननीय न्यायालय ने क्लियर करी है और स्पष्ट शब्दों में क्लियर करी है, और ये पहली बार क्लियर नहीं किया ईडी के बारे में। आप लोग गए थे ना मिलके एक हफ्ते ईडी गठबंधन वाले सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी हम पे कार्रवाई कर रही है, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पलट मारा। आज भी क्या हुआ? आज भी आपको उठा के साफ बोला कि जो आप कह रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, साक्ष्य के आधार पर लीगली और वैलिडली ईडी ने केस किया है। ईडी चाहे वो गोवा के विधायक का बयान हो, चाहे वो हवाला के ट्रांजेक्शन मिली हो, तमाम ऐसे दस्तावेज है जो चीख चीख के कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। अब आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ कि चोर मुथेरे भाई हो सकते हैं। इसलिए बात कह रही हूँ हरीश जी, क्योंकि एक नहीं है ये, विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां या फिर मैं कहूँ सारी पार्टियां बीजेपी पर यही आरोप लगाती है आप लोगों पर कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। कोर्ट का आज जो टिप्पणी आई है वो इस मामले में जांच एजेंसियों को बचा रही है, आपको नहीं बचा रही है। सुचित्रा जी जब 350 करोड़ रुपए के घर में कैश मिले तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? जब सीएमसी के सांसद के घर में कैश मिलेगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कार्रवाई नहीं करेगी? क्या बात करती हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर निष्पक्ष है ईडी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो जमाने गए जो 14 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में बोला था कि ये तोता है, कोर्ट के आगे इतना भी ना छुपने की ईडी के बारे में जो बोल दीजिएगा वही हम बचा लेंगे। ईडी कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रही है? एक बात बताइए संजीव जी, ईडी को लेकर और सेंट्रल एजेंसियों के काम करने के तरीकों को लेकर हम किसकी बात माने? हम कोर्ट को सही माने या आम आदमी पार्टी को सही माने? कोर्ट के पीछे छुपी अगर लोग जो कार्रवाई करने के तरीके हैं, जो रिकॉर्ड है, आम आदमी को बताइए। बादल जी मैं आ रही हूँ कि आपके सांसद तो वो पूरी तरह से वहां घेराव कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भाई